हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को बेटा आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 51, छोटा सा सेक्शन है बेटा। हु मे नेगोशिएट, नेगोशिएट बेटा कौन कर सकता है। नेगोशिएट करने का मतलब बेटा ट्रांसफ़र करना। कौन ट्रांसफ़र कौन कर सकता है बेटा? उसने कहा है एवरी मेकर, ड्रॉर, पेई और एंडोर्सी और ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट मेकर्स, ड्रॉर्स, पेज और एंडोर्सीज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इफ द नेगोशिएबिलिटी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूडेड एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 50, एंडोर्स एंड नेगोशिएट द सेम। तो बेटा बात तो सिंपल है ना, नेगोशिएट कौन कर सकता है बेटा? हर ड्रॉर, हर एंडोर्सी, हर पे बेटा क्या कर सकता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकता है, फर्दर ट्रांसफर कर सकता है बेटा, अनटिल और अनलेस वो बेटा एक रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। याद करो हमने रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट किया था बेटा। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में कई बार ना जो एंडोर्सर होता है बेटा वो एक कंडीशन लगा देता है, क्या कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा सिर्फ इसी पर्सन को दिया जाएगा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फर्दर नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे बेटा चेक के बैक साइड पे बेटा लिख दिया जाता है, ड्रॉर लिख देगा पे टू सी ओनली और नीचे अपना क्या कर देगा बेटा, साइन। इसका मतलब इस चेक का पैसा सिर्फ और सिर्फ बेटा किसको दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। इस केस में सी चाहे भी तो फर्दर एंडोर्स, फर्दर नेगोशिएट, फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बेटा सेक्शन 51 में यही सिंपल सी बात कही है, हर ड्रॉर, हर पेई, हर एंडोर्सी नेगोशिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करी गई हो, मतलब रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा आपका सेक्शन 51। अच्छा, सेक्शन बेटा 58, अगर आपको याद हो तो हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स के बेटा कुछ प्रिविलेजेस करे थे और उसमें मैंने आपको सेक्शन 58 कहा था, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, क्या कह रहा है बेटा देखना, सेक्शन 58 बेटा। सेक्शन 58 कहता है कि आपने आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, ठीक है बेटा, कैसे ऑब्टेन किया है, कैसे ऑब्टेन किया है बेटा, आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है बाय अनलॉफुल मींस, ठीक है, या फिर फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है फॉर अनलॉफुल, बाय अनलॉफुल मींस और अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन तो है बेटा लेकिन अनलॉफुल है। अब बेटा जैसे पता क्या, सुनो, उसने कहा आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है बाय अनलॉफुल मींस। अनलॉफुल मींस बेटा जैसे खोया हुआ मिला आपको, या आपने बेटा चोरी किया, या आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड से या किसी ऑफेंस में ऑब्टेन किया दरा धमका के बेटा। तो उनका कहने का मतलब है आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया अनलॉफुल मींस के थ्रू, या फिर जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है दैट इज अनलॉफुल बेटा। तो उस केस में बच्चे उन्होंने एक बात कही कि जो पोजेसर है ना
पोजेसर बेटा, पोजेसर का मतलब क्या हुआ, जिसने ऑब्टेन किया है, जो पोजेसर है वो बेटा इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा रिकवर नहीं कर सकता, नो राइट, नो राइट टू रिकवर मनी ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा क्या करे, रिकवर करे। तो अगर किसी पर्सन ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है अनलॉफुल मींस के थ्रू, चोरी किया या खोया हुआ मिला है उसे, या फ्रॉड के थ्रू, या डरा धमका के, या उसने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो उस केस में जो पोजेसर है ना, पोजेसर मतलब जिसने अनलॉफुल मींस या अनलॉफुल कंसिडरेशन के थ्रू ऑब्टेन किया है, जो पोजेसर है बेटा, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मनी रिकवर करे। कोई राइट नहीं बनता बेटा, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा रिकवर करे। बात समझ आई बेटा? बेटा इस रूल के ना बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं, और बेटा एक्सेप्शंस क्या हैं, यही मैं आपसे कह रहा था, होल्डर इन ड्यू कोर्स की बेटा प्रिविलेजेस हैं। तो पहला एक्सेप्शन है, इफ पोजेसर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, इफ पोजेसर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर पोजेसर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब मेरी बात सुनो, अगर पोजेसर कौन है बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जिसने अनलॉफुल मींस के थ्रू ऑब्टेन किया है या फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्टेन किया है, वो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो बेटा वो पैसा रिकवर कर सकता है। या फिर इफ पोजेसर इज होल्डर who has obtained negotiable instrument from HDC। तो कोई होल्डर जिसने HDC से ऑप्टेन किया है by unlawful means या for unlawful consideration, तो वो बेटा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा रिकवर कर सकता है। तो पोजेसर बेटा कौन होगा, एचडीसी, तो वो रिकवर कर सकता है, या कोई होल्डर है जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेन किससे किया है, एचडीसी से ऑप्टेन किया है। तो या तो खुद एचडीसी है या वो पर्सन है जिसने एचडीसी से ऑप्टेन किया है, तो वो बेटा उसके पास राइट है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे, फिर मैं आपको बेटा एक रीडिंग इसकी कराता हूँ, और थोड़ी सी ना बेटा टेक्निकल लैंग्वेज है, मैंने बहुत इजी करके आपको बताया है। आओ देखो बेटा, उसने कहा व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट, खो चुका है, और हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मेकर, एक्सेप्टर और होल्डर बाय मीन्स ऑफ ऑफेंस और फ्रॉड, आपने किसी ऑफेंस यानी डरा धमका के या फ्रॉड के थ्रू ऑप्टेन किया है, या फिर ऑप्टेन किया है फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो उस केस में नो पोजेसर और एंडोर्सी हु क्लेम्स थ्रू द पर्सन हु फाउंड और सो ऑप्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देर ऑन फ्रॉम सच मेकर, एक्सेप्टर और होल्डर, और फ्रॉम एनी पार्टी प्रायर टू सच होल्डर। तो याद रखना, उस पोजेसर के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा क्या करे, रिकवर, ठीक है, अनलेस सच पोजेसर और एंडोर्सी इज, अब ये एक्सेप्शन की बात आती है, अनलेस सच पोजेसर इज or some person through whom he claim was a holder thereof in due course। तो या तो वो possessor खुद HDC है, ठीक है, बात समझो, या तो वो possessor खुद HDC है,
या जिसके थ्रू उसने ऑप्टेन किया है वो एचडीसी है। तो मैंने क्या कहा बेटा, या तो वो पर्सन खुद एचडीसी है जो पोजेसर है, तब बेटा वो पैसा रिकवर कर सकता है, या जिसके थ्रू उसने ऑप्टेन किया है वो एचडीसी है, तो भी बेटा पोजेसर के पास राइट है कि वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये बेटा एचडीसी का एक प्रिविलेज है जो सिर्फ किसको मिला है बेटा, एचडीसी को। ठीक है, आओ बेटा सेक्शन 59 क्या कहता है। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर और व्हेन ओवरड्यू, मतलब बेटा मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है, एक्वायर किया गया है। देखो, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु हैज एक्वायर्ड इट आफ्टर डिसऑनर, अब डिसऑनर कैसे हुआ है बेटा वो बात अलग है, अब चाहे वो डिसऑनर हुआ हो बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब आपने बिल ड्रॉ करा लेकिन ड्रॉई ने वो बिल एक्सेप्ट ही नहीं करा, डिसऑनर हो गया, या फिर उसने एक्सेप्ट तो करा लेकिन ड्यू डेट वाले दिन उसने पेमेंट नहीं करी, मतलब नॉन पेमेंट, विद नोटिस देयर ऑफ और आफ्टर मैच्योरिटी हैज ओनली एज अगेंस्ट अदर पार्टीज द राइट्स देयर ऑन ऑफिस ट्रांसफरर। तो बेटा उन्होंने पता क्या कहा, मैं आपको अभी समझाता हूं बेटा, सेक्शन 59। तो बेटा उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने क्या कहा है ए और बी, उन्होंने कहा ए ने बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर रुपीस 1 लाख, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर रुपीस 1 लाख। तो ए ने बी के ऊपर बिल क्या करा बेटा, ड्रॉ, बी ने क्या करा बिल एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया ए को, तो बी एक्सेप्ट्स द बिल। अब बेटा इस बिल की ड्यू डेट है आफ्टर 3 मंथ्स, इस बिल की ड्यू डेट है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, ड्यू डेट वाले दिन बेटा, ड्यू डेट वाले दिन ए बी के पास पैसा मांगने गया बेटा, बी ने पैसा नहीं दिया, तो बेटा ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर, बी रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट, बी रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट, बी ने बेटा पेमेंट करने से मना कर दिया, बी के पेमेंट मना करते ही बेटा चेक क्या हो गया, डिसऑनर, बी आर डिसऑनर्ड, बी आर हो गया बेटा डिसऑनर, ठीक है। चलो अब बेटा हुआ क्या, ए ने क्या करा, ये बिल बेटा आगे सी को एंडोर्स कर दिया आफ्टर मैच्योरिटी डेट बेटा, बी आर एंडोर्स्ड टू सी आफ्टर ड्यू डेट। तो ए ने ये बिल बेटा सी को एंडोर्स कर दिया आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। तो पता है उन्होंने बेटा इस सेक्शन में सिंपल बात क्या कही है, मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा एक बार, पहले ये देखो, अब रिलेट करना बेटा, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेटा सी, याद रखना बेटा सी को होल्डर कहा जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि उसने बिल एक्वायर किया है आफ्टर मैच्योरिटी डेट, और मैंने कहा था बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो बिल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करता है वो बिफोर ड्यू डेट एक्सेप्ट करता है बेटा। तो होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी सी हु हैज एक्वायर्ड इट आफ्टर डिसऑनर, उसको बिल कब मिला है बेटा, आफ्टर डिसऑनर,
अब डिसऑनर कैसे हुआ है वो बात अलग है, नॉन एक्सेप्टेंस से हुआ है या नॉन पेमेंट से हुआ है. हैज ओनली एज अगेंस्ट द अदर पार्टीज द राइट्स देयर ऑन ऑफिस ट्रांसफरर. मतलब बेटा पता है क्या हुआ, सी का जो राइट है ना बेटा, राइट ऑफ सी, राइट्स ऑफ सी, सी के क्या राइट्स हैं बेटा, तो बेटा उन्होंने कहा सी के वही राइट्स होंगे जो उसके ट्रांसफरर के राइट्स हैं, और ट्रांसफरर बेटा कौन था, ए. तो सी के पास वही राइट्स हैं जो बेटा किसके पास हैं, ए के पास. मतलब वो बी के खिलाफ बेटा एक्शन ले सकता है. तो सी के पास वही राइट्स होंगे जो बेटा किसके पास हैं, उसके ट्रांसफरर के पास यानी ए के पास. तो राइट्स ऑफ सी विल बी इक्वल टू राइट्स ऑफ ए, और ए के पास क्या राइट है कि वो बी के अगेंस्ट बेटा एक्शन ले सकता है. तो वही राइट किसके पास आएगा बेटा, सी के पास. तो याद रखना सी बचे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा. ठीक है. अच्छा फिर देखो, ध्यान से देखना बेटा. एनी पर्सन हु इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द होल्डर आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ड्रॉन और एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग सम पार्टी टू रेज मनी देयर ऑन मे रिकवर द अमाउंट ऑफ द नोट और बिल फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी. अब बेटा उन्होंने ना यहां पर एक बात और कही है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात. और वो जो बात उन्होंने कही है ना बेटा, वो फिर से अकोमोडेशन की बात कही है. पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ए है और बी है. उन्होंने कहा ये जो ए है ना, इसने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी आर ड्रॉन, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, बट विदाउट कंसिडरेशन. मतलब बी ने ए को कुछ पैसा देना नहीं था तब भी ए ने बी के ऊपर क्या करा, बिल ड्रॉ किया. बात समझ आई बेटा. तो बी आर ड्रॉ किया बी के ऊपर 1,00,000 रुपए का विदाउट कंसिडरेशन. अब सुनो सुनो, अब बेटा ड्यू डेट वाले दिन ए बी के पास गया पैसा मांगने, बी ने पैसा देने से कर दिया मना. ऑब्वियस ही बात है बेटा, वो पैसा क्यों देगा, विदाउट कंसिडरेशन था बेटा, तो वो बी को पैसा क्यों देगा, उसने मना कर दिया. ए ने क्या करा, ए का क्रेडिटर था सी, ए ने सी के 1,00,000 रुपए देने थे, तो ये क्रेडिटर है ए का, ठीक है, और इसके 1,00,000 रुपए ए ने देने थे. तो ए ने क्या करा, मैच्योरिटी डेट के बाद ये बी आर एंडोर्स कर दिया, बी आर एंडोर्स टू सी, बट फॉर कंसिडरेशन बेटा, फॉर कंसिडरेशन है ना, 1,00,000 रुपए के बदले बी आर ट्रांसफर हुआ है बेटा. तो ए ने सी को बी आर एंडोर्स कर दिया फॉर कंसिडरेशन आफ्टर मैच्योरिटी डेट, After due date, ठीक है. और बेटा एक बात याद रखना, उन्होंने एक बात और कही है कि जो C है ना, उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है गुड फेथ में, उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है गुड फेथ में. तो उस केस में उन्होंने कहा कि A के पास B के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है, लेकिन C के पास राइट है बी के अगेंस्ट कि वो बी से पैसा क्लेम कर सकता है. तो सी कैन क्लेम रुपीस 1,00,000 फ्रॉम बी. तो सी के पास ये राइट है कि वो बी से 1,00,000 रुपए क्लेम कर सकता है. तो ए क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बेटा कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सी क्लेम कर सकता है बी से क्योंकि सी ने ये बिल एक्सेप्ट किया था फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ. तो बेटा शर्त दो हैं, फॉर कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया है और बेटा गुड फेथ में एक्वायर किया है. ए सी से रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ए ने ये बिल
ड्रॉ किया था विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन सी बी से रिकवर कर सकता है क्योंकि सी ने यह बिल एक्सेप्ट किया था फॉर कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। समझ आया बेटा सबको? चलो अच्छा बेटा, अब आता है अगला सेक्शन 60। सिंपल है, खास कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। तो बात सिंपल है बेटा, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, टिल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन मतलब जब तक बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता बेटा, तब तक वो ट्रांसफरेबल रहता है। मैंने क्या कहा? जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो जाती, सेटिस्फाई नहीं हो जाता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तब तक बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड अंटिल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन देयर ऑफ बाय द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर। बेटा मेकर होगा इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ड्रॉई और एक्सेप्टर होगा इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर फॉर दैट मैटर चेक एट और आफ्टर मैच्योरिटी, बट नॉट आफ्टर सच पेमेंट। तो उन्होंने एक बात सिंपल कर दी है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, जब तक उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर अगर प्रॉमिसरी नोट है, ड्रॉई या एक्सेप्टर अगर चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है, वो पेमेंट नहीं कर देते। अब पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे हो रही है या पेमेंट मैच्योरिटी डेट के बाद हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक बेटा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर बेटा एक सेक्शन हम और कर रहे हैं बेटा, सेक्शन 90, नेगोशिएशन बैक। ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हेडिंग लिखना बेटा, नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक लिखो बेटा हेडिंग, सेक्शन 90। एग्जाम्पल से बेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ए बी, बेटा ए ने ना बी के ऊपर एक बी आर ड्रॉ किया, ए ड्रॉस अ बी आर ऑन बी फॉर रुपीस 1 लाख। तो ए ने बी के ऊपर एक बी आर ड्रॉ करा 1 लाख का, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस भेज दिया ए को। बेटा ए ने ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया सी को, बी आर एंडोर्स्ड, ठीक है बेटा। तो ये है ओरिजिनल एंडोर्सर, ध्यान से सुनना बेटा, ए कौन है एंडोर्सर और बी कौन है बेटा एंडोर्सी। मैं ओरिजिनल क्यों कह रहा हूं अभी सुनना बेटा। अब क्या हुआ, सी ने ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया डी को, सी ने ये बिल बेटा आगे एंडोर्स कर दिया डी को, बी आर एंडोर्स्ड डी को, ठीक है। तो बेटा मैंने इसको ओरिजिनल एंडोर्सर क्यों कहा है, एंडोर्सर तो बेटा सी भी है जिसने डी को एंडोर्स किया है। सबसे पहला एंडोर्सर कौन है, ए। तो सी ने एंडोर्स किया डी को, अच्छा फिर बेटा डी ने आगे एंडोर्स कर दिया ई को, बी आर एंडोर्स्ड, और बेटा ई ने क्या करा, ई ने ये बिल वापस से बेटा एंडोर्स कर दिया ए को, ई ने ये बिल वापस से बेटा एंडोर्स कर दिया ए को, बी आर एंडोर्स्ड। तो बात समझ आई बेटा, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने पहला एंडोर्समेंट किया सी को, सी ने दूसरा किया डी को, डी ने तीसरा किया ई को, और ई ने फिर से किया ए को। यानी बेटा जो बिल ए ने एंडोर्स किया था बेटा, वो घूम फिर के
वापस से बेटा ए के पास ही पहुंच गया. दिस इज नोन एज नेगोशिएशन बैक. नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर. बैक ट्रांसफर किया था मैंने और वही मेरे पास वापस आ गया. दिस इज नोन एज नेगोशिएशन बैक. तो हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसे कहेंगे नेगोशिएशन बैक. तो ये है बेटा आपका नेगोशिएशन बैक. जो इंस्ट्रूमेंट तूने एंडोर्स किया था वो वापस से घूम फिर के तेरे पास ही आ गया. दिस इज नोन एज नेगोशिएशन बैक. पक्का बेटा मतलब क्लियर हुआ नेगोशिएशन बैक का. अब बेटा नेगोशिएशन बैक के इफेक्ट्स क्या हैं वो हमें थोड़े से बेटा देखने हैं. इफेक्ट्स ऑफ नेगोशिएशन बैक. बेटा उन्होंने पता है क्या कहा. उन्होंने कहा नेगोशिएशन बैक के इफेक्ट्स क्या हैं कि ना जो इंटरमीडियरी पार्टीज हैं बेटा. इंटरमीडियरी पार्टीज ना ये हो गई. सी एक इंटरमीडियरी पार्टी है बीच की पार्टी बेटा. डी बी एक इंटरमीडियरी पार्टी है. ई बी एक इंटरमीडियरी पार्टी है. तो ये लोग इंटरमीडियरी पार्टीज हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि जो ए है ना ए यानी एंडोर्सी. ई ने एंडोर्स करा ए को तो ई ए एंडोर्सी बन गया ना. तो ए कैन नॉट स्यू इंटरमीडियरी पार्टीज. वो अपने पैसे के लिए इंटरमीडियरी पार्टीज को स्यू नहीं कर सकता. क्या मतलब है बेटा मैं आपको बताता हूं. अब सुनो सुनो सुनो. वापस से बताओ बेटा बिल घूम फिर के किसके पास आ गया. ए के पास. अब ए ड्यू डेट वाले दिन बी के पास पैसा मांगने जाएगा. ड्यू डेट वाले दिन अज्यूम करो बेटा बी ने पैसा देने से कर दिया मना. तो बिल क्या हो गया बेटा. डिसऑनर हो गया. बिल डिसऑनर हो गया. तो मैं अब यह जानना चाहता हूं क्या ए सी को डी को ई को पैसे के लिए स्यू कर सकता है बेटा. द आंसर इज नो. ए कैन नॉट स्यू सी डी एंड ई. सी डी एंड ई. और बेटा उसका ना रीजन भी हमें थोड़ा सा समझ आता है. भाई सी को कैसे स्यू कर दोगे आप. भाई आपने सी को ये बी आर एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन किया था तो आप सी को कैसे एंडोर्स. भाई सी क्या कहेगा मैं कैसे लायबल हो गया. तूने मुझे बिल दिया था मेरे 1,00,000 रुपए के बदले तो मैं कैसे लायबल हूं तुझे 1,00,000 रुपए देने के. भाई तूने मुझे 1,00,000 रुपए देना था उसके बदले तूने बी आर एंडोर्स करा तो मैं कैसे लायबल हूं. अच्छा डी को कैसे लायबल ठहरा लोगे. डी कहेगा मुझे ये बिल सी से मेरे 1,00,000 रुपए के बदले मिला है तो मैं कैसे लायबल हूं. ई भी यही कहेगा मैं तेरे को पैसा क्यों दूंगा क्योंकि मुझे बिल डी से मिला था मेरे 1,00,000 रुपए के बदले. पक्का बताओ बात समझ आई. तो याद रखना ए सी डी ई किसी को भी बेटा स्यू नहीं कर सकता है. इंटरमीडियरी पार्टीज की बेटा कोई लायबिलिटी नहीं होती है इन केस ऑफ नेगोशिएशन बैक. हाउएवर बेटा हमने एक केस किया था अगर आपको याद हो बेटा. इस रूल का एक्सेप्शन बता रहा हूं बेटा आपको. सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट. बेटा सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट में जो एंडोर्सर होता है वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर देता है. मतलब वो ये कहता है कि अगर कल को बिल डिसऑनर होता है तो मुझे लायबल ना ठहराया जाए. और अगर आपको याद हो बेटा सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट में एंडोर्सर ओरिजिनल एंडोर्सर की कोई लायबिलिटी नहीं होती बेटा क्योंकि उसने साफ साफ अपनी लायबिलिटी को क्या कर दिया था एक्सक्लूड कर दिया था तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती. लेकिन सारी इंटरमीडियरी पार्टीज उसके प्रति बेटा क्या होती हैं लायबल होती हैं. तो सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट में ऑल इंटरमीडियरी पार्टीज आर
ऑल इंटरमीडियरी पार्टीज आर लायबल टू मिस्टर ए. सारी इंटरमीडियरी पार्टीज बेटा मिस्टर ए के प्रति क्या होंगी? लायबल होंगी. अगर सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट का केस है तो लो बेटा कॉपी कर लो इसे बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बेटा जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो रही हैं सबको, पक्का? चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. टिल देन थैंक यू.